देखो ये क्वेश्चन है एडवांस 2005 का। एक मेथड आपको बुक में मिल जाएगा, हम दूसरा मेथड से बताते हैं जो कि आसान है। क्या कह रहा है, मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू रूट टू इज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर हुज वन वर्टेक्स इज 2 प्लस आई रूट थ्री, फाइंड द रिमेनिंग वर्टेक्स। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर, ठीक है ये आपका स्क्वायर है और एक सर्कल इसके अंदर है। ठीक है, ये सब टच करते हुए सर्कल, ठीक है ये आपका है। अब आप देखो एक वर्टेक्स मान लो ये वाला पता है हमें कितना है, 2 प्लस आई रूट 3। सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ से लिख सकते हैं क्या है, 1,0। ठीक है, अब आप देखो हम जानते हैं डायगोनल क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है, और जब ये सर्कल है अंदर में तो ये इससे दूरी बराबर रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो इसका ये मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो अगर हम इसको जेड वन कहें तो जेड वन प्लस ये जो गिवन वर्टेक्स है 2 प्लस आई रूट 3 का मिड पॉइंट जो आएगा वो आपको ये सेंटर आएगा 1 प्लस आई 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया तो जेड वन इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा और इधर से इसको माइनस कर दो, -2 -i√3 कट गया, तो जेड वन तो आपको इतना आसानी से -i√3 मिल गया। ठीक है, ये आपको तुरंत मिल गया। अब अगला देखो, ये है इनका, इसको मान लो जेड टू। अब आप देखो ये जो इस तरफ का एरो है, अगर ये जो वेक्टर है इसे ये एंटी क्लॉकवाइज में है ये वेक्टर, तो आप देखो जेड टू माइनस ये जो सेंटर है इसको जेड नॉट कहते हैं, तो जेड टू माइनस जेड नॉट जो है वो क्या होगा इस वेक्टर के, इसको इसको 2 प्लस आई रूट 3 -1 इसका ई टू दी आई एंटी क्लॉकवाइज में है π/2, यही तो होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए 90 आ गया। ठीक है, अब आप देखो जेड टू, जेड नॉट क्या है -1, ठीक है इसका इमेजिनरी कंपोनेंट तो 0 है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1 प्लस आई रूट 3 और ये हो गया आई, क्योंकि कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2 लिखोगे तो आई आ जाएगा, तो जेड टू -1 इज इक्वल टू आई -√3। तो जेड टू इज इक्वल टू 1 -√3 + i, दूसरा निकल गया, और जेड टू निकल गया, जेड थ्री निकालना है तो सिमिलर यहाँ कंसेप्ट जो निकालो, जेड थ्री प्लस जेड टू बाई टू जो होगा वो जेड नॉट के बराबर होगा, जेड नॉट जो कि 1 है, तो जेड थ्री इज इक्वल टू 2 - z2, तो -1 + √3 - i इज इक्वल टू 1 + √3 - i, तो ये है जेड थ्री। ये आपका तीनों चीज तुरंत निकाल लिया। ठीक है, बुक में दूसरा मेथड दे रखा है हमने आपको, यह सहूलियत के लिए ये मेथड बताया।